के आतंक से क्षेत्र देहला एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाएं, बार बार पुलिस को दे रहे चोर चुनौती, चोरी रोकने में पुलिस नाकाम। निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरिया ग्राम निवासी अरशद जमाल पुत्र रईस अहमद के घर में बीती रात समय चोरों ने छत के रास्ते घुस गए। घर के अंदर रखा 48,000 रूपए नकद सहित 1.5 लाख के जेवर चुराकर रफू चक्कर हो गए। जेवर में पीड़िता ने बताया कि एक चैन जिसकी कीमत करीब 70,000 और कान के 2 जोड़ी झुमकी जिसकी कीमत करीब 75,000 बताई, दोनों मिलकर करीब 2 लाख रूपए की चोरी हुई। रबुनिशा पत्नी रईस अहमद ने बताया कि रात्रि के समय 12 से 1 बज रहे थे, मैं चारपाई पर सोई हुई थी। मेरे 4 दिन पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ था, मैं बीमार अवस्था में चारपाई पर पड़ी थी। रात्रि के समय घर के अंदर 2-3 लोगों के आने की आहट सुनाई दी तो नींद खुली, लेकिन बीमार और ऑपरेशन की वजह से उठ नहीं सकी। मेरा पुत्र अरशद बगल में सोया था, मैंने उसको जगाना उचित नहीं समझा, सोचा कि चोरों की संख्या ज्यादा है, कहीं ये लोग उसे मार ना दे। मैं डर गई और चोर का विरोध नहीं कर पाई। चोर हम लोगों को जागने की आहट पाने के बाद छत के रास्ते से फिर सामान चुरा कर वापस हो गए और जो पैसा घर में रखा था सब उठा ले गए। मुसीबत है, मैं अपनी दवा का पैसा कहां से लाऊंगी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सचिनानंद यादव, डॉग स्क्वाड टीम, पुलिस की मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। समाचार लिखे जाने तक अभी पीड़ित ने तहरीर नहीं दी है। आजमगढ़ से एडवोकेट शाह आलम फराही की रिपोर्ट। मेरे यहाँ रात में चोरी हुई है, जैसे रात में सुबह जो है 4 बजे जब हमारी अम्मा जो है नमाज पढ़ने के लिए उठी तो बाहर जो हमारे रूम में सर ड्राव था जो काउंटर का वो ऊपर रखा हुआ था, तो हमारी अम्मा हमको उठाई तो बोली घर हम कहीं से कोई घुसा था। जब हम गए जो देखे तो रूम का दरवाज़ा खुला था जो जिसमें अनवारी थी, अनवारी में सर रखा हुआ हमारी बहनों की शादी के लिए 2 जेवर रखे हुए थे कान के और एक गले का था, वो जो चोरी हो गया है और 18,000 नकद एक था और 30,000 जो कैश लेकर गए सर। 48,000 कैश और लगभग गहना कितने का था? लगभग गहना सर 90,000 रुपये का था टोटल। 90,000 जी। और क्या ले गए? और सर ये सामान लेकर गए और जो बाकी जो और भी जो बक्सा खोले हैं लेकिन उसमें अभी कुछ नहीं लेकर गए हैं, सिर्फ बक्सा सब कपड़ा बाहर कर दिए हैं, जिसमें सामान रखा था जो पैसा था उसी में सब पूरा ले गए, कुछ बचा नहीं। पैसे आए हैं सेल हाथ के? नहीं, छत पे सर आए हैं, छत पे से, छत के ऊपर से रास्ते से, बगल से एक छत थी उस पे चढ़े, उस बाद करकट पे, करकट पे से जो है वहाँ दीवार पे छत टाप के घर में घुसे हैं सीढ़ी पे से। 2-3 ईटा टूटा भी है सर उसमें। अच्छा जी। अरे ये एक बार और अपना चोरी 2019 में चोरी हुई थी, निजामाबाद थाने में तहरीर दिया गया था लेकिन कुछ किया नहीं गया था, आज तक कुछ नहीं किया गया, आज तक भी उसमें कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ और आज भी पुलिस आई है, सिपली खुप के चली गई है। दरोगा जी कह रहे थे कि 100 नंबर पे फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों? कह रहे कि 100 नंबर में फोन करने से पूरे जिले में चोरी हो रही है, तहलका मच रहा है। सौरभ त्रिपाठी कह गए। अच्छा, बोल रहे की नहीं करना चाहिए था 100 नंबर पे और पूरा जिले तक मामला पूरा लखनऊ तक पहुंच जाता है। अच्छा जी।